اهن بازار چونه چوز بازن چون چوز بازن زیاده پان کلیار همسون چی من دوری پان میوزیم میوزیم از میوزیم ایسنی که खातिन हजरात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाजीन, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर। नाजीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब मुश्ताक अहमद बेग साहब, डिप्टी डायरेक्टर आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स कश्मीर। नजीर, अगर आप आर्कियोलॉजी या आर्काइव्स या म्यूजियम से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहती हूँ या आपके मन में कोई सुझाव हो तो आपके लिए हमारी दो फोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। मुश्ताक साहब, खुश आमदीद है प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, अभी दो दिन पहले, परसों की बात है, एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे यहाँ एस के एस सी सी में, जो अब कंक्लूड हो गई एक दिन पहले, क्या कुछ डिलिब्रेशन वहाँ थी और किस चीज़ की कॉन्फ्रेंस थी, क्या कुछ फैसले लिए गए? बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस थी हमारी, ये 47th कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल आर्काइविस्ट थे, जो आर्काइविस्ट जो हमारे उनकी कमेटी एक बनी है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बैनर के तहत। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे फॉर द मेरे ख्याल में 50 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ओह माय गॉड, 50 साल, बहुत 50 साल के बाद, मोर देन 50 इयर्स। जी जी, ये पहले बार लगभग आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुए। इस पे सारी स्टेट्स से, यूनियन टेरिटरी से, गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ कल्चर से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आज आए थे, डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया आए थे, तो वो चेयरमैन थे इस कॉन्फ्रेंस के। तो वही उन्होंने वहाँ पे डिलिब्रेशन जो हर एक स्टेट से प्रिपेयर्स आए, जो उन्होंने यहाँ पे नहीं आ सके उन्होंने ऑनलाइन पेपर्स पढ़े। आई गॉट इट। तो उसके सिलसिले में कि एक कंसेंस हो जाएगा कि जो भी आर्काइव्स में लिक्यूना है, जो भी आर्काइव्स जो मटेरियल है वहाँ पे, जो स्क्वाड्रंस को हम प्रोवाइड करते हैं, इसका बेटरमेंट कैसे हो जाएगा। अच्छा, इस यही फैसले हुए वहाँ पे, जो कि आर्काइव्स का मटेरियल, जो पेपर मटेरियल है, आर्काइव्स में पेपर मटेरियल होता है फॉर स्कॉलर्स, जिसमें फाइल्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, सेंसस रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं, कि अगर हम इसकी बात करेंगे, जो हमारी आर्काइव्स रिपोजिटरी श्रीनगर बनी है जी, वो 1954 में बनी है, यहाँ एस्टैब्लिश हुई है 1954, लेकिन जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है 1925 का है। वहां से जो भी महाराजा के दौरान, बाकी म्यूजियम्स में भी यही हाल होगा? नहीं, म्यूजियम्स नहीं, आर्काइव्स अलग है। जी जी, क्योंकि हमारे पास तीन डिपार्टमेंट्स है, आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स। ये तीनों चीज अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। जी जी जी, तो आर्काइव्स में एक चीज होता है कि जो भी स्कॉलर्स बेसिक मटीरियल ढूंढ रहे हैं तो वो आर्काइव से उनको मिलता है और रेफरेंस वहां से मिलते हैं, वहां पे फाइल्स है हमारे पास। अल्टीमेटली डिसीजन क्या हुआ इसमें? इस मीटिंग में डिसीजन ये हुआ है कि अभी मिनिस्टर ऑफ द मीटिंग अवेटेड है, तो डिसीजन ये हुआ है कि बेटरमेंट इसको कैसे करेंगे, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन कैसे इसको प्रॉपरली कर सकते हैं, और डिजिटाइजेशन को प्रॉपरली इसको करेंगे, ताकि एक स्कॉलर भी हो वो घर बैठ के उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। जी, ऑनलाइन 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 मिलना चाहिए सारा कुछ वहाँ पे। क्यों डिजिटाइजेशन जब आर्काइव रिकॉर्ड होगा, कि आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि कश्मीर में हमने ऑलमोस्ट 26 लाख पेजेस किए आज तक डिजिटाइजेशन, तो और क्यों यहाँ पे जो हमारे पास फाइल्स है ऑलमोस्ट 4-5 लाख फाइल्स है हमारे पास। इस पर हम आगे बात करेंगे। सर, आपका जो मेजर काम है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ जे एंड के। हाँ,
आर्काइव्स और आर्कियोलॉजी में कैसे हम फर्क करें, क्योंकि ये कभी कभी आम लोगों के पास इंटरमिंगल होता है, लगता है कि जैसे एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही काम है। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि आर्काइव्स अलग है, आर्कियोलॉजी अलग है। आर्कियोलॉजी में एक चीज़ होता है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हमारे हैं यहाँ पे, जो अर्ली हेरिटेज हमारी है, जैसे कि हमारे पास मास्का मदीन साहब है, हारी पर्वत फोर्ट है, ये अंडर जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत डिक्लेयर किए जाते हैं। मॉन्यूमेंट्स के मैं अगर मैं बताऊंगा, दो तीन तरीके के मॉन्यूमेंट्स होते हैं। जी, नंबर वन मॉन्यूमेंट होता है इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट, जो उसको यूनेस्को लुक आफ्टर कर रहा है। जी, फिर होता है नेशनल मॉन्यूमेंट्स, जिसको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया लुक आफ्टर करे। फिर होते हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स यूटी एज वेल एज द स्टेट्स, जी, जिनको लोकल स्टेट्स और यूटीज कर रहे हैं। वो यूनेस्को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कोई है हमारे यहाँ? नहीं, हमने 5 मॉन्यूमेंट्स के प्रपोजल भेजे है यूनेस्को को, पिछले 2 साल से वो चल रहे हैं वहाँ पे। लेट अस होप फॉर बेस्ट इन फ्यूचर, जैसे कि मुगल शालीमार गार्डन है, चश्मा शाही है, ये अनंतनाग में एचवल है, वेरीनाग भेजा है और निषाद गार्डन भेजा है, हमने 5 गार्डन भेजे हैं फॉर यूनेस्को डिक्लेरेशन के लिए। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आर्काइव्स में क्या आर्काइव्स में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, बेसिकली मैंने आर्काइव्स में एक चीज़ होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल, ओल्ड रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स, आपके पास महाराजा के, हमारे पास महाराजा के फाइल्स है, जिनके महाराजा के साइंस है, दरबार से ऑर्डर्स कौन से निकला है जी, वो हमारे पास, वो स्कॉलरों के लिए है। जो भी राइटर्स होते हैं या स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, तमाम यूनिवर्सिटियों से हमारे पास स्कॉलर्स आते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे वो अपने रिसर्च वर्क्स पूरा करते हैं, अकॉर्डिंगली हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पहले हमारे पास इंडेक्स होता है, एक एक्सेशन रजिस्टर जिसको कहेंगे, इंडेक्स होता है कि हम उन स्कॉलरों को कहते हैं कि भाई आप किस पीरियड पे काम करते हो, अकॉर्डिंगली उसको हम वो ही रजिस्टर देते हैं, वही रजिस्टर उसको फिर प्रोवाइड करते हैं मटेरियल, कौन सा मटेरियल, कौन सी फाइल मुझे जरूरत है। अब या फिजिकली मटेरियल देते हैं, फिजिकली मटेरियल देते हैं, क्योंकि फिजिकली तो उनके लिए बेटर है एज कम्पेयर टू अगर हम ऑनलाइन उनको देंगे तो वो बेटर नहीं, उनको पता नहीं चलेगा कि ये फाइल, उसको काफ़ी कुछ, अगर एक फाइल हम दिखाएंगे उसको, उसको 10 फाइलों के बारे में फिर पता चलता है। जी जी जी। अच्छा सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 रिपोजिटरीज हैं, हाँ, एक जम्मू में, एक कश्मीर में और एक लद्दाख में। लद्दाख की वो तो अब यूनियन टेरिटरी अलग हो गई, तो लेकिन जम्मू में आर्काइव्स की रिपोजिटरी हमारे पास है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके पास अराउंड 20 लाख फाइल्स हैं। हाँ, है बहुत, या उससे ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि जो जम्मू की वो अर्लियर एस्टैब्लिश हुई है वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर का। कश्मीर में मैंने कहा कि 4-5 लाख फाइलें टोटल हमारे पास, तो लेकिन जो फाइल टोटल हैं 20 लाख के आसपास। हाँ, वो 20 तो लगभग 4-5। ये सिर्फ डोगरा रूल से उसी दौरान के हैं या उसके अलावा और भी हैं डिफरेंट? नहीं नहीं, ये डोगरा रूल है उसके, जो हमने जब मैंने कहा ना कि बेसिकली एक चीज़ है कि आर्काइव रिपोजिटरी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है वो कश्मीर में 1954 में हुई है, उस रिलेटेड जो है कि जो भी मटेरियल है, मैंने ये कहा कि अब रिकॉर्ड कब का है हमारे पास। जी, 1925 से हमारे पास रिकॉर्ड है आर्काइव्स रिपोजिटरी में। जी, 1925 से। अच्छा, ये जो जितना भी आपके पास ये रिटन रिकॉर्ड है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स या बाकी चीजें, ये आप मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स पे प्रिजर्व नहीं करते? नहीं, किसने कहा कि हम मॉडर्न साइंटिफिक, अगर देखो सर, मैं इतना बताऊंगा कि आप मुझे बताइए, अगर ये लगभग 60 साल कागज एक अल्टीमेटली पेपर इज अ पेपर, ठीक है, पेपर कितने सालों तक आप रख सकते हैं, इसमें कीड़ा भी लगता है कभी? वही चीज है, हम कीड़ा लगने नहीं देते हैं इसको, हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, हम इसको जो भी मॉडर्न साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स है एज पर द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, तो वही चीज हम इस्तेमाल करते हैं। आपके पास लैब्स हैं? लैब्स है हमारे पास, सारा कुछ है, सिस्टम प्रॉपरली है, अगर नहीं होता तो हमारे पास इतने फाइल्स क्यों बचे होते? रिसर्चर्स को आप ये सारी फाइल्स अवेलेबल, रिसर्च को टॉपिक्स एज पर देयर टॉपिक्स हम उनको इंडेक्स देते हैं पहले। अच्छा, इंडेक्स रजिस्टर होते हैं जिसके ऊपर हमारे हर एक किस शेल्फ में कौन सी फाइल है, अच्छा, किस बॉक्से में कौन सी फाइल है, किस जो हमने क्लॉथ जो एज पर रिकमेंडेड बाय नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, वही क्लॉथ हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे।
अच्छा, रिसर्च स्कॉलर्स को आप पहले कंफर्म करते हैं ये वाकई में रिसर्च करता है? पहले इसको बोनीफाइड सर्टिफिकेट देनी पड़ती है। अच्छा, और लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ये हमारा स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर है और उसका आई कार्ड, तो उसके बाद में हम इशू ऑर्डर करते हैं। जब भी उस स्कॉलर को कोई भी मटीरियल आप घर के लिए चाहिए, हम उसको फोटोकॉपी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यानी वो घर लेना चाहिए, घर देना चाहिए उसको फोटोग्राफी, 30% हम उसमें से दे सकते हैं, अदरवाइज फुल फाइल नहीं दे सकते। मिस्टर साहब, आई हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो। हेलो जी। हाँ आदाब। आदाब, अपना तारुफ दीजिए। हाँ हाँ, अच्छा, भट्ट साहब बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मैं भट्ट साहब जी, मैं सुन रहा था डायरेक्टर साहब को। मैंने ये जो आर्कियोलॉजी की डिपार्टमेंट एंड म्यूजियम डिफरेंशिएशन है, म्यूजियम में रिलिक्स रहते हैं, रिलिक्स होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है ना, वो मैन्युस्क्रिप्ट जो हमारे जो 50 साल के बाद ने बोला, वो कुछ एसेंशियल मैन्युस्क्रिप्ट जो पुराने हैं, 100 साल के, 2 साल के, जैसे पॉइंट्स है, कुछ आर्टिस्टिक है, कुछ वो रिलिक्स है, वो नहीं हम देख सकते हैं। देखो, गूगल आज बड़ा, आज सब कुछ निकलता है मैन्युस्क्रिप्ट में, गूगल थ्रू कैन गेट इट। बट हमारे में जो J&K में, कश्मीर में, हमें ये जो मैन्युस्क्रिप्ट एसेंशियल कैम्स, चाहे मुगल पीरियड है, चाहे कनिष्क पीरियड है, चाहे कोई, वो नहीं, वो मिलने चाहिए। दैट इज द कल्चर ऑफ आवर कश्मीर। बाकी जो नेशनल ऑर्गन, वहां तो कुछ बहुत मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं स्टेटों में, मगर हमारे कश्मीर में जो हमारी विरासत है, मैन्युस्क्रिप्ट विरासत, वो तो गायब हो गए हैं। बहुत पहले पहले हुआ करते, मगर 30-40 साल से वो मिलते नहीं। हाँ, दूसरा म्यूजियम, म्यूजियम में हमारे कुछ रिलिक्स है, हम बाहर के साथ क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं कि उनकी रिलिक्स क्या है, और हमारी जो रिलिक्स, जो पुराने जमाने, हम फाइंड आउट नहीं करते हैं जी। जो हमारे जो प्रिमिटिव या ओल्ड है रिलिक्स, वो अगर हम ढूंढे, हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, देयर बी एनॉर्मस रिलिक्स इन अवर कश्मीर, बट वी डोंट फाइंड इट बिकॉज ये इट इज ए नेगेटिव थिंग, आई शुड नॉट से, बट द डिपार्टमेंट शुड फाइंड आउट, देयर विल बी नंबर। जैसे जर्मनी में मैंने यहाँ डिस्कवरी चैनल पर, हाउ दे डिस्कवर इट, दे गो एंड डिस्कवर, बट वी शुड डिस्कवर आवर रिलिक्स इन मेनी पार्ट ऑफ आवर स्टेट। चाहे रिलिक्स, जो रिलिक पीरियड के होते हैं, वो नहीं मिलते हैं, वो म्यूजियम में होने चाहिए, और हमें अडॉप्ट करने हैं बाहर के रिलिक्स में, उनकी जो फाइंडिंग्स है वो हमारे में इनस्क्रिप्ट होने चाहिए कश्मीर में, और हमारे उनमें इनस्क्रिप्ट होने के, हमारा कल्चर क्या था पुराना, दैट इज नॉट, दैट इज लैकिंग इन आवर स्टेट। और मैन्युस्क्रिप्ट में उतना पता नहीं, हम फाइंड गूगल पर वो अब मिलता है, विकिपीडिया में मिलता है, बट वी शुड हैव आवर ओन म्यूजियम ऑफ रिलिक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट सर्जिकल सेपरेट। थैंक यू। चलिए भट्ट साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे की बातचीत में आपकी सब बातों का कुछ जवाब मिल जाए। तो ये जो कह रहे हैं कि नहीं, बेसिक मैं बताऊंगा इसमें क्या है कि पहले मैं बताऊंगा आर्काइव की, जो आर्काइव में मटेरियल है, मैनस्क्रिप्ट है, वहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो हमारे पर रेफरेंस लाइब्रेरी जो हमारी है आर्काइव में, वहाँ पे ये मैनस्क्रिप्ट सारे हैं, ठीक। दूसरा है नेशनल रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स, एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो उनका जो भी प्राइवेट कलेक्शन के पास, कलेक्टर के पास, वहाँ पे है मैनस्क्रिप्ट एंड रेयर बुक्स पढ़े हैं। नहीं नहीं, पढ़े नहीं, एक तो पढ़े भी हैं, हम उनके पास भी है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करते थे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स का काम यही था कि वहाँ पे देखेंगे, सपोज किसी भी के घर में, किसी के पास भी कोई भी मैनुस्क्रिप्ट, वो रजिस्टर्ड होता था प्रॉपरली, तो उसके पास कौन सी बुक होती थी, जो पर्शियन में, संस्कृत में, शारदा में, या और किसी स्क्रिप्ट में भी उनके पास होते थे, वो अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड होते थे यहाँ नेशनल रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स में। दूसरा जो इन्होंने कहा कि हमें ये कहना, हमारा एक चीज़ होता है कि हर साल हम एडवर्टाइज करते हैं फॉर परचेज ऑफ एंटीक्विटीज एंड मैनुस्क्रिप्ट्स, रेयर बुक्स जो भी हमारे पास है। अगर जो भी कोई हमारे पास आता है, वो कहता है कि हमें सेल करना है, हम एक फॉर्म देते हैं उनको प्रॉपरली, कि उनको कहते हैं कि भाई आप हमें इसको रेट बताओ क्या है, आपकी रेट, आपकी नज़र से, ठीक है। उसके बाद में हम एक कमेटी, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, या एक्सपोर्ट कमेटी,
जिसमें खाली एक्सपर्ट्स बैठते हैं। अगर शारदा के हो गए तो शारदा एक्सपर्ट लाना पड़ता है उसमें जी। अगर संस्कृत में होगा संस्कृत एक्सपर्ट लाना होता है, पर्शियन अगर होगा पर्शियन एक्सपर्ट्स लाना होता है, अरबिक होगा अरबिक एक्सपर्ट्स लाना पड़ते हैं। तो ताकि वो एसेस करेंगे ये इसकी रेट नंबर वन, ये खोरी रिटन टेक्स्ट के लिए, रिटन टेक्स्ट के लिए या जो अरबिक या कुछ मान लीजिए कोई कॉइन होगा किसी, नहीं नहीं सर वो मैं बताऊं, ये हर एक चीज के लिए मैंने कहा ना एक स्कीम है गवर्नमेंट के पास, परचेज ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंटीक्विटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों म्यूजियम्स के लिए जम्मू में भी और श्रीनगर में भी हमने हर इतना बताऊंगा लगभग। अब इसमें क्या है कि इन्होंने म्यूजियम की बात की, म्यूजियम्स में जाता है इलस्ट्रेटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट जो कैलीग्राफी तरीके होगा, ताकि वो म्यूजियम में हम लोगों को दिखाते हैं जिसमें हम इलस्ट्रेशन जिसमें पेंटिंग हो वो चीज़ हम वहाँ पे दिखाएंगे जिसमें बेस्ट कैलीग्राफी हो या आम आदमी को जो अट्रैक्ट करे, आम आदमी को अट्रैक्ट करे। नहीं जी मैं ये चीज़ देखो कि इस सिलसिले में हम एग्जीबिशंस करते हैं, एग्जीबिशन जैसे कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक होता है जी, वर्ल्ड हेरिटेज वीक होता है, ये इन दिनों पे हम मोस्टली मैनुस्क्रिप्ट डिस्प्ले करते हैं और स्पेशल एग्जीबिशन म्यूजियम में, अपनी एरिया अपने म्यूजियम में, उससे बाहर नहीं करते। इसमें एक चीज है, हमें म्यूजियम नॉर्म जो है वो भी फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे इसमें अगर हम 10 चीज लेंगे हमें पॉसिबिलिटी, नहीं नहीं हमें पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे इसमें एक चीज है, जो ही कोई चीज हमारे म्यूजियम से डोर से बाहर जाएगा उसमें हमें इंश्योरेंस करना पड़ता है जी। तो वो आपको पता है, मैं बताऊंगा अगर चीज 10 करोड़ का होगा 20 करोड़ का कोई चीज होगा, आप सर बताए उसमें देख लीजिए कितना इंश्योरेंस, नहीं नहीं दैट्स ट्रू। तो वे विद इन द कैंपस सही है, विद इन द कैंपस कर रहे हैं, और ऐसे ही हम वर्ल्ड हेरिटेज डे में या वर्ल्ड हेरिटेज वीक में आर्काइव्स के जो भी रियर फाइल्स है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं, जैसे कि वहां पे एक फाइल है फॉल ऑफ स्नैक्स इन कश्मीर, वो फॉल ऑफ स्नैक्स इन कश्मीर महाराजा या महाराजा के दौरान में एक फॉल ऑफ स्नैक्स हुए, यहाँ पे आसमान से स्नैक नीचे गिर गए, सांप गिरे वो फाइल है हमारे पास। देखिए ये मेटेरॉयड नहीं बताई, मुझे नहीं पता था मेरा भी कभी हुआ। दूसरा है शुपियन में एक मेटेरॉयड गिर गया, टक्कर हो गया मेटेरॉयड गिर गया, वो फाइल है हमारे पास। अच्छा मेटेरॉयड है, वो मेटेरॉयड हमारे पास एसपीएस म्यूजियम में अभी भी मौजूद है, मेटेरॉयड का पीस है हाँ हमारे पास है। अच्छा हाउ बिग इज इट? इट्स द ऑलमोस्ट दिस टाइप, अच्छा लगभग 7-8 किलो। डिस्प्ले पे है ये? डिस्प्ले भी है, वो बीच बीच में निकाल, क्योंकि एक चीज है कि अगर हम म्यूजियम में नॉर्म्स देखेंगे, म्यूजियम के नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि हर साल हर 2-3 साल के बाद हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे कि एक आदमी को शाम को रेस्ट मिलता है सोने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को भी हमें रेस्ट देना पड़ता है ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए। अगर हम इसको ये कंटिन्यू रखें इसमें जो लाइटिंग लाइट प्रॉप जो नेचुरल लाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है वो इसको डिफेस करता है। अच्छा वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। अच्छा सर एक मिशन मैनुस्क्रिप्ट स्कीम थी आपके पास, उससे आपको आइडेंटिफिकेशन पे मदद मिली मैनुस्क्रिप्ट्स की? देखो मैं मिशन मैनुस्क्रिप्ट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने चलाई थी, तो बाद में वो मिली इंदिरा गांधी आर्ट सेंटर को जी। तो उसमें हमें एक चीज़ है कि हमारा डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर था उसमें जे एंड के स्टेट का, उसमें जितने भी प्राइवेट कलेक्टर्स थे या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे कि रिसर्च एंड लाइब्रेरीज में वहाँ पे भी मैनुस्क्रिप्ट्स है जी, एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस वहाँ पे भी मैनुस्क्रिप्ट्स है, एसपीएस म्यूजियम में भी मैनुस्क्रिप्ट्स, आर्काइव्स रिपोजिटरी में भी मैनुस्क्रिप्ट्स, उनको डॉक्यूमेंट किया गया है जिसके पास भी पुराने मैनुस्क्रिप्ट है, क्योंकि मैनुस्क्रिप्ट की एज कम से कम 75 ईयर्स होनी चाहिए। अच्छा तब भी उसको मैनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। अच्छा सब्जेक्ट दैट द जो कि ऑथर होगा उसका जिसने वो कैलीग्राफी लिखी होगी वो अलाइव ना हो, अदरवाइज ये मैनुस्क्रिप्ट नहीं जुमरे में एज पर द एंशियंट मॉनुमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट जी, उसकी 75 ईयर्स एज जी। अच्छा सर एसपीएस म्यूजियम जो आपका है इट्स द बिगेस्ट आई बिलीव द म्यूजियम इन जे एंड के, यस। तो आपके पास तकरीबन कितने आर्टिफैक्ट्स होंगे उसमें? अगर हम एसपीएस म्यूजियम की बात करेंगे जैसे कि है बिगेस्ट म्यूजियम, इट्स नॉट ओनली द बिगेस्ट म्यूजियम, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम सो फार एज द कलेक्शन इज कंसर्न इन इंडिया।
और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में यह पांचवा या छठा म्यूजियम बन गया था जब यह उसमें बनाया। तो जो कलेक्शन है मोर देन 81,000 आर्टिफैक्ट्स है हमारे पास। आपके पास है? हाँ हमारे पास है। उतने सारे डिस्प्ले पर तो होते नहीं है, लेकिन आप देखो इसमें सर, इसमें एक ही चीज़ मैं बताऊंगा क्या है, हमें 30% या 20% डिस्प्ले पर रखना होता है, 30% फॉर रिजर्वेशन रिजर्व के लिए फॉर एग्जीबिशन के लिए। ट्रू। देन देन जब जो 60% हमारा बाहर गया, 40% हम इसको ऐसे रखते हैं ताकि हमें 2 साल के बाद या 1 साल के बाद इसको रिप्लेस करना है। अच्छा जी जी जी। अच्छा ये किस एरिया से मुतालिक होते हैं, जैसे आर्कियोलॉजी है या नेशनल हिस्ट्री के हैं या न्यूमैनिस्टिक्स जो है, टेक्सटाइल है, आर्मरी है, और क्या एंथ्रोपोलॉजी है, कुछ ये सारे इससे सारे से रिलेटेड हैं ये आपके आर्टिफैक्ट्स? हाँ सारे रिलेटेड। मैं बताऊंगा जो आर्कियोलॉजी जो हमारी स्टार्ट होती है 2nd सेंचुरी से स्टार्ट होती है, यहाँ जो म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स आपके मिले हैं वो हॉइनार है हमारे पास, एक पहलगाम साइड से हॉइनार एक साइट है, वहाँ से हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो टेराकोटा टाइल्स है, थोड़ा क्रूड आर्ट है, फिर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट दिखाते हैं हम कहाँ तक है जी। ये बुद्धिस्ट पीरियड था उस समय, कुशान पीरियड जिसको कहते हैं हम जी, जी, कुशान पीरियड के टाइल्स थे। ये हारवन से भी आपको मिले? हारवन से भी मिले। मैंने कहा ना कि हारवन का जो पीरियड है डेवलप्ड पीरियड था, वो 4th सेंचुरी का था। अच्छा आपको 2nd सेंचुरी? हमें 2nd सेंचुरी से मिल रहा है जी। अच्छा ये जो आपके कलेक्शन है एंशंट गन्स का, आपके पास एंशंट गन्स की अच्छी खासी कलेक्शन है, किस पीरियड के हैं ये सारे गन्स? ये मोस्टली डोगरा पीरियड के हैं। कुछ हमारे पास जो गन्स है वो जर्मनी मेड भी है, कुछ हमारे पास जो गन्स है जो वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुए थे। एक तोप जैसी चीज भी है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि डोगरा पीरियड के सारे हैं, लेकिन जो कुछ हमारे पास ऐसे भी आर्मरी है और शाहजहां का बो भी है हमारे पास। शाहजहां का बो? अच्छा बो। हाँ तीर कमान। तीर कमान जी, कमान तीर है, तीर नहीं कमान, कमान है, कमान है हमारे पास। अच्छा वो डिस्प्ले में तो नहीं? वो डिस्प्ले में है। डिस्प्ले में। अच्छा सर ये जानना चाहूंगा कि जो टाइल्स की बात आपने करी कि टाइल्स आपने कहा कुशान पीरियड के हैं या बुद्धिस्ट पीरियड के हैं, उनमें ऊपर से ऊपर जो ये पेंट वगैरह उसमें है कुछ फूल पत्ते बने नहीं है उसमें? एक चीज होता है मोस्टली जो हमारे पास मिले हैं एविडेंसेस मिले हैं जो यहाँ पे हॉइनार में मिले हैं, हॉइनार में हंटिंग सीन मिला हमें, कहीं पे ये भी दिखाया है कि ये शाम के टाइम पे हंटिंग सीन हो रहा है, कहीं पे ये भी दिखाया है अर्ली इन द मॉर्निंग में हो रहा है। तो कलर से ही दिखाएंगे? नहीं कलर से नहीं, वहाँ बात जाते हैं डिपिक्टेड पिक्चर्स है। अच्छा हाँ मतलब एनग्रेव्ड पिक्चर? एनग्रेव्ड नहीं, वो मोल्ड है, मोल्ड ये है उसमें। अच्छा क्योंकि ये पेमेंट्स बुद्धिस्ट पेमेंट्स में होता था ये, तो वह चीज़ है वहाँ पे, वो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है प्रॉपरली। और दूसरी सबसे इसमें एक चीज़ होता है कि जो खर्च दिए स्क्रिप्ट था या उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, वो इन्होंने रखा था क्यों, इन ऑर्डर टू कीप द स्कैंस ऑफ द टाइल्स, कि ताकि अगर 10 बनाया उन्होंने ऐसे ऐसे 10 बनाया, 11 बनाया, कुछ भी बनाया तो वो 10-12 टाइम में मिलेगा, वो 8-9 मिलेगा 10-12 टाइम लो में, जैसे कि आज हम करेंगे, ताकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये 9वां टाइल लगाना है, ये 9वां टाइल लगाना है, ये 10वां टाइल लगाना है। अच्छा। ये फर्स्ट रो कौन है, सेकंड रो कौन है, थर्ड रो कौन है, ये ऐसे उन्होंने अच्छा मतलब सिमेट्री है, सिमेट्री बनानी थी उन्होंने, वो चीजें कॉन्सेप्ट क्या था उनके पास उस समय या किस तरह के टूल्स यूज करते थे वो? उसमें देख लीजिए जब डेवलपमेंट ऑफ आर्ट हुए, जब अगर हम हारवन की बात करेंगे या ढोनी पाथर की करेंगे या हुटमुर की करेंगे, वहां पे ह्यूमन एवोल्यूशन दिखा रहे हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन दिखा रहे हैं कि एक टाइल पे ह्यूमन एवोल्यूशन दिखा रहे हैं कि कैसे ह्यूमन पहले क्या था, उसके बाद कैसे बना, उसके बाद क्या बना, ये प्रॉपरली ह्यूमन एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन में जो डार्विन की थ्योरी है वो तो नहीं है उन्होंने नहीं, नहीं, प्रोजेक्ट किया वो उसके बाद उनके पास उसके में तो सिस्टम नहीं था जी जी, वो कहां से देखते नहीं, वो उस पीरियड में शायद डार्विन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, नहीं था, वही मैं कह रहा हूं ना ह्यूमन एवोल्यूशन कहां था उस समय। तो जी अच्छा आपके पास शाहनामा फिरदौसी भी है? हाँ, वो मैनुस्क्रिप्ट में यहाँ पे भी है, तुसी जिनको कहते हैं, हाँ यहाँ पे भी है और जम्मू में भी, हमारे जम्मू म्यूजियम में भी है और यहाँ पे विद इलस्ट्रेटेड
इलस्ट्रेटेड में भी कह रहा हूँ ना कि वो जो म्यूजियम में मैनस्क्रिप्ट जाएगा मोस्टली उसमें ये चीज होता है कि हम उसको कैलीग्राफी कैसे होगी और दूसरा चीज उसमें पेंटिंग्स कौन से होंगे। अरे ये जो शाहनामा फिरदौसी है इट इज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ ईरानियन किंग्स। किंग्स जी, वहां पे वॉर वॉर सीन ज्यादा है जी। तो वही सर, ये उसी ईरान से ही बनी है या यहाँ किसी ने? नहीं, इसमें क्या कैलीग्राफी किसने की? अब मैं बताऊंगा ना इसमें क्या होता है कि कहीं पे भी कोई चीज हमने बना दिया, रिटन किया, चाहे वो ईरान का था, फिर कैलीग्राफी होती है उसको, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट ऑथर्स बनाते हैं जब इलस्ट्रेटेड भी हो। हाँ, तो एक पेज पे आपको कैलीग्राफी भी करनी है, स्टोरी भी लिखनी है और पेंटिंग भी बनानी है। अब मैं बताऊंगा इसमें क्या है। इस जो कश्मीर आर्ट था, कश्मीर आर्ट उतना डेवलप नहीं हुआ था उन दिनों, पेंटिंग्स एस्पेशली, इसमें पेंटिंग्स है, ये कश्मीर में बना है, पेंटिंग्स है कश्मीरी। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं ये कश्मीरी कैलीग्राफी है, वो चीजें कॉपी ऑफ द ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल जो शाहनामा फिरदौसी है उसकी कॉपी है। इसमें हजारों कॉपियां बन गई है शाहनामा फिरदौसी जो है। आप कहीं पे भी जाओ, मैं कह रहा हूँ जम्मू में भी हमारे पास, वो भी वहां पे, इसमें हर एक जगह पे उसमें 60,000 अशआर हैं। उसमें इतनी इतनी सारी, ये तो बड़ी जखीम किताब है, इतनी मोटी कापी, बहुत मोटी है, लगभग मुझे लग रहा है कि अगर हम देखेंगे 6-7 इंच उसका ये मोटा ही होगा। अच्छा, बहुत अच्छी एक बुक है हमारे पास, वो भी है। और इवन मैं बताऊंगा कि हमारे पास रिटन हैंड रिटन कैलीग्राफी जो एस्ट्रोनॉमिकल आर्टिफैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स है जिन उन दिनों उसमें प्रॉपरली इंजीनियरिंग की गई है, डी बनाया है उसमें, ट्रायंगल बनाया है उसमें, मौसम कैसे देखते थे वो ग्लोब पूरा प्रॉपरली बनाया है, ग्लोब को कैसे लिखते थे वो, हम जी वो चीज बनाते थे। और वो आर्टिफैक्ट्स भी हमारे पास म्यूजियम में, उसको हमने पब्लिश भी एक बुक बनाई है, तो एक ऑथर ने वो हमें बना के दे दिया, तो वो हमने पब्लिश भी किया। जो आपके पास शाहनामा फिरदौसी है ये किसी रिसर्च स्कॉलर ने देखी है? बहुत सारे अवेलेबल है क्योंकि ओरिजिनल में, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने अब इसको काफी जगहों पे देखा भी है और काफी जगहों पे ट्रांसलेट भी हुआ है जी। अच्छा, ये आपका जो म्यूजियम है एसपीएस म्यूजियम, तकरीबन दिन के एतबार से मैं कहता हूँ, कितने लोग, कितने टूरिस्ट इसको विजिट करते हैं? देखो एसपीएस विजिटर्स की तादाद कितनी होगी? देखो सर्दियों में आपको तो पता ही है, थोड़ा सा सर्दियों में यहाँ पे मोमेंट बहुत कम होती है। जी जी। जो जून ही अप्रैल मार्च अप्रैल आता है तो बहुत ही अच्छी पिकअप। आपके पास एंट्री टिकट तो नहीं है? एंट्री टिकट है हमारे पास, जनरल पब्लिक के लिए 10 रुपया है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए 5 रुपया है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए 2 रुपया है जी। और फॉरनर से 50 रुपए। आपके वहाँ लाइटिंग का क्या अरेंजमेंट है? लाइटिंग जो है एज पर द नॉर्म्स जो है, हमने जो जब ये नया म्यूजियम बन गया इसमें जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हमने की वो बॉम्बे से गवर्नमेंट ने की थी, वही एज पर दैट जो उन्होंने दे दिया सिस्टम, वही सिस्टम है, वही चल रहा है। नहीं, अगर लाइट जाएगी क्योंकि हमारे पास इसमें विंडोज तो है नहीं। नहीं नहीं, हमारे पास जेनसेट है, हमने फुल म्यूजिक उठाने के लिए जेनसेट भी है और बैटरीज भी जो इन्वर्टर्स भी है। अच्छा, ये जो आपने नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया, पुरानी बिल्डिंग के आर्टिफैक्ट्स भी उसमें शिफ्ट किए, मोस्टली वही शिफ्ट किया आपने, तो पुराने आर्ट ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स जो थे उस पुरानी बिल्डिंग में, वो सारे के सारे आपने इसमें कम्प्लीट किए या कुछ रह गए? नहीं नहीं, देखो एक चीज मैं बताऊंगा, जो पुराना म्यूजियम था वो 11,000 स्क्वायर फीट था, जो नया है वो ऑलमोस्ट 1,00,000 स्क्वायर फीट डिस्प्ले एरिया जी। फिर तो और ज्यादा आए वही में, वहां पे हमने मोस्टली बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स ऐसे निकाले क्यों जो कि आज तक भारी नहीं आए थे, जो पहले नहीं थे पहले के म्यूजियम में जी, तो वो चीज हमने की है। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स बाहर आए कि जो कि अभी लोगों को पता भी नहीं था। अब पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे हैं, क्या इरादा है आपका उसका? इसको हमने जो एज पर द जो हमने प्लान बनाया है, इसको प्लान यह है इसको नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और मिनरल म्यूजियम बनाएंगे। पहले इसको रेस्टोरेशन करेंगे, आपने देखा होगा जो जो वॉल म्यूरल्स और पेपर माशी अंदर है वो कहीं पे भी नहीं है अवेलेबल अब कश्मीर में कहीं पे भी, इवन मैं कहूँगा J&K में भी ऐसे वॉल म्यूरल्स नहीं मिलेंगे, और न हमारे पास यह जो पेपर माशी का जो है वहाँ शॉल पैटर्न जो ओरिजिनल शॉल पैटर्न यहाँ पे होता था ये वही पेपर माशी है, और ओरिजिनल पेपर माशी है अभी भी, अभी उसको कुछ नहीं हुआ है,
और जो दीवारों पे उन्होंने नक्शकारी की है, जो वॉल म्यूरल्स है वो भी ओरिजिनल है अभी। आपका जो एरिया ऑफ एक्टिविटी है, सारे इस अपने जो काम है आपका आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स में, तो इसमें आर्कियोलॉजी का क्या रोल रहता है? आर्कियोलॉजी के बीच मैं बताऊंगा, जो आर्कियोलॉजी हमारी है ये बैक बून है म्यूजियम की, ये बैक बून है म्यूजियम की। आप बताओगे कैसे बैक बून है? क्योंकि डिस्कवरी करनी पड़ती है, डिस्कवरी टीम्स। हाँ, एक तो डिस्कवरी की, एक तो एक्सकेवेशन होती है इस पे। नहीं, वही होगा एक्सकेवेशन कि मैं रिसेंटली बताऊंगा कि हमारा आजकल जो काम चल रहा है, हमने रिसेंटली एक मॉन्यूमेंट को जो परसपोरा में स्टार्ट किया है, वहाँ पे थ्रू आर एंड भी कर रहे हैं लेकिन सुपरविजन हमारा होता है। परसपोरा इज ए नेशनल मॉन्यूमेंट नाउ? नहीं नहीं, तो वहाँ पे एक चीज़ है कि लोगों को पता भी नहीं था वहाँ टेम्पल्स चार भी हुए हैं। अच्छा, मिले हैं वहाँ पे टेम्पल चार भी है। अच्छा, जो हमने आज जिस पे हम काम कर रहे हैं वो विष्णु टेम्पल है, जिस पे और आगे काम करेंगे उसको शिवा टेम्पल है जी। ये 8th century में बने हैं, ललितादित्य के पीरियड में बने हैं जी। तो उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी काफ़ी गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता से हम उसको रिमूव कर रहे हैं जी। दूसरी बात है, जो भी हमारे पास रिकवरीज आते हैं, काफ़ी रिकवरीज हमारे पास है। लास्ट ईयर मैंने कम से कम 40-50 रिकवरीज आर्कियोलॉजी ये लाए, तो वो भी हमने म्यूजियम को डिस्प्ले के भेज दिया है। अच्छा, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई? डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होती है। पहले हम डॉक्यूमेंटेशन, पहले आर्कियोलॉजी वाले डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, अच्छा, ऑन स्पॉट। उसके बाद में म्यूजियम भी जाते हैं, आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम जाते हैं, फिर पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, ये चीज़ है क्या जी? उसका नाम, फिर उसकी एज क्या है, फिर कैटलॉग एक बनता है उसको, उसके बाद में कैटलॉग के बाद में जाता है वो म्यूजियम, भाई यही चीज़ हमें ही मिला, इसको आप प्रिजर्व करो। अगर वहाँ पे कंजर्वेशन भी करनी पड़ेगी, उसके बाद में पहले कंजर्वेशन अच्छी तरीके से करते हैं, उसके बाद में उसको डिस्प्ले पे लाते हैं। आपकी खुद की डिस्कवरी करने वाली टीम्स हैं? टीम्स है वो सर, देखो हमारे पास एक्सकेवेशन कम सर्वेयर कम एक्सकेवेशन असिस्टेंट होता है। हाउ डू यू डिसाइड कि फलां जगह पे, इस जगह पे हमें करना? नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें सर बेसिकली या तो कुछ तो क्लू मिलना चाहिए ना कि किस जगह करना है। मैं बताऊंगा कि इसमें क्या, कश्मीर में अगर आप कहीं पे भी कुछ भी करो, खोदोगे ना, कश्मीर में कुछ ना कुछ मिलेगा। मिल जाता है, ये रियली है, ये रियलिटी है कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। किसी भी पहाड़ी पे जाओ, किसी भी कहीं पे भी जाओ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लास्ट ईयर हमने डिस्कवर किए थे वहाँ पे, ट्वेंटी में वहाँ पे अहरबल में हमने वो ये किए थे, फॉसिल्स किए थे वहाँ से डिक्लेयर। हमने उसको नहीं छेड़ा, हमने कहा कि उसको वहीं पे साइट म्यूजियम रखो। किस चीज़ के फॉसिल्स थे? बहुत सारी फॉसिल्स थे, बहुत सारे ऐसे जो प्रिंट्स मिले हमें वहाँ से, वो हमने वहाँ पे कलेक्ट किए, वहाँ से फिर उसको बाज़ाब्ता हमने आइडेंटिफाई किया। दुनिया में कई जगहों पर डायनासोर के फॉसिल्स भी? नहीं नहीं, जो फॉसिल्स हैं वहाँ पे, एक चीज यहाँ पे जो हमारे म्यूजियम में फॉसिल है वो है मायमत का। अच्छा, दैट इंडिकेटर्स के कश्मीर में मायमत था, वो गलंदर से मिला हमें मायमत। हाँ जी, वो फुल स्कल मिला है मायमत का, वो भी म्यूजियम में, लेकिन अभी थोड़ा सा म्यूजियम में और हमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है जी, जिसमें कि हमें वो नेचुरल हिस्ट्री, मैं कह रहा हूँ कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो ही एज सून ये जो पुराना म्यूजियम है वो बन जाएगा, तो हम इसको इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो अब काफ़ी कम दिखाई देते हैं, तो वो खाली म्यूजियम में देखते हैं हम। अच्छा मुश्ताक साहब, आपका ये जो ये म्यूजियम है ये ऑन द रिवर बैंक है, ठीक है, जहलिम के किनारे पे। अब 2014 में जो सैलाब आ गया उसमें आपके आर्टिफैक्ट्स को ख़राब तो नहीं हो गए, डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो गई? अब मैं बताऊंगा, जो 2014 में फ्लड आया वो आया था कि उस समय आर्टिफैक्ट्स कहाँ पुराने म्यूजियम में थे जी, ठीक थे, कि 2.5 फुट तक पानी आया म्यूजियम में। खुदा का शुक्र है कि हमें जल्दी उन दिनों रास्ता भी मिल गया, तो म्यूजियम में गए, हमारे पास 3 या 4 या 6 ऑब्जेक्ट्स खराब हो गए जी, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इंटैक है म्यूजियम में, जो शेल्फ्स पे थे बाकी चीज थे, जो वही 3-4 थोड़ा नीचे थे तो वो चीज़ हो गए, बाकी हमने पेंटिंग्स जो भी थी हमारे पास पेंटिंग्स थे कुछ उनको उसमें ये थोड़ा सा
पानी गया था और हमने उन्हीं दिनों नेशनल म्यूजियम से एक टीम मांगा था और इस एनआरएल से एक टीम ऐसे मांगा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उन्होंने उन्हीं दिनों भेजा। और मटेरियल जो प्रिजर्वेशन ऑफ मटीरियल क्योर प्रिवेंटिव कंजर्वेशन उसी समय उन्होंने वहीं से लाया नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया से, तो वो हमने यूज किया यहाँ, उससे हमारे आर्टिफैक्ट्स बच गए। मुझे सब कलार उसमें सतबरन एक एरिया है, छोटी सी एक मोनूमेंटल जगह है। मैं जब वहाँ गया सतबरन में तो कुछ सात छः सात तकरीबन वो सेल्स हैं सेवन डोर्स, वो तो अंदर से क्लोज है दीवार है। मैं कह रहा हूँ सेवन डोर्स हाँ। वो कहते हैं कि यहाँ पर मुझे तो वो लगी नॉर्मली मेडिटेशन सेल्स जैसी है, लेकिन वहाँ के लोगों से बात करते हुए मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ टाइल्स भी हैं जो कुछ लोगों ने निकाली हैं और ले गए। आपने वहाँ एक्सकेवेशन नहीं किया वहाँ क्या? मैं बताऊँ, जो कलारूस जो केव है वहाँ पे, वो हमने डिक्लेयर किया एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। केव अलग चीज है, नहीं, नहीं, मैं सतबरन की बात कर रहा हूँ। सतबरन उसी को कह रहे हैं सतबरन जी, उसी को एक ही को चीज सतबरन केव सेवन डोर्स केव जी, उसको सतबरन आप नहीं, सतबरन के जो सात डोर जो आप कहते हैं वो यहाँ, उसके बाद तकरीबन मैं जब चढ़ाई करके गया कलारूस केव तक वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर। वही सर मैं कह रहा हूँ ना, उसी को कह रहा हूँ कि मैं जो ये सतबरन केव है उसी को कहते हैं सतबरन केव, सतबरन भी उसी को कहते हैं कलारूस भी, ये दोनों नाम है एक ही चीज जगह के। अच्छा, तो वही चीज क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे, वो वहाँ पे जो भी एविडेंसेस हमें मिले, ये नोमेडिस लोग रहते थे यहाँ। कॉलर जुड़े हमारे साथ, कॉलर लेते हैं। ठीक है, हेलो। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, अफ्ताह तारुण जी साहब। माता नाम तनाव से मैं सर गुलाम मोहम्मद भट्ट आरोजगर हूँ जी। भट्ट साहब फरमाई, ؤنو حظ مےٚ حظ چھُ بوٗزمُت اَسہِ حظ توشہٕ خانو منٛز یعنی بیگ صٲبٕنۍ تہِ ذِکر چھُ کَران کٔرِو ؤنِو سوال ؤنِو حظ پوٗرٕ دوٚپمَس یُس یِم وَنان چھِ یہِ حظ یہِ میوٗزیَم أسۍ ہٮ۪کو عام اِنسان یہِ وٕچھِتھ کِتھ کِتھ پٮ۪ٹھ اور أژِتھ سرینگرٕے کَتھ جایہِ چھُ یہِ حظ چھُ لال منڈی سرینگرَس منٛز چھےٚ لال بنڈی جاے اَتھ تٔتی چھُ یہِ ٹایم ؤنِو حظ وۄنۍ سَر اَتھ چھِ آسان 10 بجے پٮ۪ٹھٕ 4 تانٮ۪تھ آسان چھُ اَتھ اور کٲنٛسہِ تہِ وِزِٹَر یُس ییٚژھِ یُن تہٕ ما کَرِ گورمٮ۪نٛٹ ما کَرِ اَتھ 10 بجے پٮ۪ٹھ 7 تانۍ تہٕ کیٛازِ راتھ ٲسۍ سیکرٹری صٲب آمٕتۍ اور پرنسپل سیکرٹری یُس کَلچَر چھُ تِمو ووٚن دوٚپُکھ أسۍ ہسا کَرو یَتھ ٹایمِنٛگ ہُرراو أسۍ تاکہِ لُکَن گژھِ زیادٕ لُکھ یِن اور सर ये जो बुरजहामा साइट है हमारी बड़ी पुरानी साइट है इसको आपने फुली एक्सकेवेट किया है या इट्स पार्शियली? अब मैं बताऊंगा, बुरजहामा हमारा नहीं है, बुरजहामा नेशनल मॉन्यूमेंट है, ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया दिख रही है और 60s में जो इसकी एक्सकेवेशन हुई है। आपकी कोलैबोरेशन नहीं है? आप नहीं, नहीं हमारे कोलैबोरेशन, मैंने कहा ना कि बेसिकली मसला यह है कि जो भी वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स निकल आए हैं 1962 से, 62 में इसकी स्टार्ट हो गई एक्सक्यूशन, तो वहाँ से जितने ऑलमोस्ट 3000 आर्टिफैक्ट्स वहाँ से निकले हैं। वो जे एंड के से बाहर गए? वो इस समय मैं मेरे ख्याल में जे एंड के से मैं ऐसे खुशकिस्मत एक ही आदमी हूँ जिसने ये पूरे 3000 आर्टिफैक्ट्स देखे हैं। वो पुराने किले दिल्ली में है, पुराना किला जो दिल्ली में, वहाँ उन्होंने म्यूजियम में बनाया, वहाँ पे है अभी तो वहाँ। और हमने गवर्नमेंट को कहा था कि इसमें से कम 1500 दे दीजिए हमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था, जो सेक्रेटरी कल्चर ने भी उनको कहा था, बाकी सभी कह रहे थे उनको। हमने म्यूजियम में इसके लिए जगह भी रखी, उन्होंने फिर यहाँ पर भी विजिट किया, फिर मैंने आइडेंटिफाई किए थे वहाँ पर जाने के बाद कि हमें कौन सा चाहिए या कश्मीर के लिए, वरना इस समय हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कॉलर्स उनको जाना पड़ता है दिल्ली देखने के लिए जी। तो हमने यही कोशिश की थी कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें इसमें से 1500 दीजिए, 1500 आप रख लीजिए, क्योंकि वहां पे डुप्लीकेसी काफी है कि एक ही जो ऑब्जेक्टिव निकला है तीन तीन चार चार वो एक सेम पोजिशन, जाहिर है आपने कहा तो कुछ हमें दे दीजिए, कुछ आप रख लीजिए, अभी वो मैटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। लेकिन ये साइट फुली एक्सकेवेटेड नहीं है? नहीं, फुली नहीं, कोई भी साइट एक्सकेवेटेड फुली नहीं है यहाँ पे जी। अगर इसके बाद में देखो, अगर चेन ऑफ देखोगे बुरजहामा, उसके बाद में सेमथन देखोगे, सेमथन में भी हमें टेराकोटा कुछ डाइटीज मिलते हैं, कुछ लेडीज मिलते हैं, तो वहाँ पे भी अभी वो फुली एक्सकेवेटेड नहीं है। वही मसला है, वो है वो कॉल ऑनलाइन से। हेलो 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 जी, अपना तारुण दीजिए साहब।
जी सर, मेरा नाम बासित अहमद है, मैं अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी सर, मुझे ये जो ये है ना बुरजोहन साइड, जी जी मुझे जानना है वहाँ की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है वो वहाँ पे एक्सक्यूवेट कैसे करते हैं? इनका अपना प्रोसीजर होगा जी सर, इसमें एक आप एक प्रोसीजर होता है, प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि आप मैनुअल ऑफ आर्कियोलॉजी पढ़ लीजिए, उसमें प्रॉपरली दिया है उसमें कि आप कैसे एक्सप्लोर करोगे। पहले आपको खाली एक्सप्लोरेशन पहले करनी पड़ती है, जब आप एक्सप्लोरेशन करोगे तो उसके बाद में आप एक्सकेशन तो जो है लास्ट स्टेज है, और वो टूल्स भी उसमें दिए हैं प्रॉपरली कि आप कौन से टूल्स कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली ब्रश से आप मिट्टी हटाते हैं सर, मैं कह रहा हूँ टूल्स जो है ना वही, चाहे ब्रश करो चाहे क्या करो, लेकिन टूल्स है आर्कियोलॉजी के टूल्स अलग है जी। सर मैंने वहां पे सुना है वहां पे हॉरिजॉन्टल डिगिंग होती है, वर्टिकल डिगिंग होती है। देखो मैंने कहा ना कि इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये बहुत बड़ा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है आर्कियोलॉजी का, जो है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अगर इस पे डिस्कशन करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है एक दिन में ये प्रॉपरली तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा दिन अगर इसको देंगे। इसीलिए मैंने कहा मैनुअल ऑफ आर्कियोलॉजी आप पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको प्रॉपरली बताएंगे कि आप पहले कैसे जाओगे कैसे नहीं, और ये भी उसमें लिखा है कि जो मिट्टी वहां से निकलेगी उस मिट्टी को कहीं पर डंप करो पहले, फिर उसको छानी करो वहां से क्या निकलेगा वो, उसके बाद डिस्कार्ड करो जो मिट्टी वहां से निकली जाए उसका, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि जो हम ऐसे ही जाएंगे कि जैसे कि आप कह रहे हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वो नहीं है कि वे प्रॉपरली एक मैनुअल दिया है उसके अंदर, वो उस मैनुअल में आप अगर आपको इंटरेस्ट है फॉलो कीजिए। वही सर, ये जो हमारा परी महल एरिया है, परी महल सर मॉन्यूमेंट, ये नॉर्मली एक टेरेसिड गार्डन के तौर पे आजकल लोग देख रहे हैं या टूरिस्ट जो जाता है, बट इट इज एक्चुअली एन ऑब्जर्वेटरी दारा शिकोह की। ये जो अब उसके अंदर एक सेंट्रल जो पीस है इसका, उसके अंदर एक हॉल है, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है क्योंकि देखने की इजाजत ही नहीं है किसी को। व्हाई हैवन बीन यू एबल टू गेट दैट हॉल? मैं ये बताऊंगा, वो भी नेशनल मॉन्यूमेंट है नंबर वन। नंबर टू जो परी महल है कि आपने जैसे बताया ऑब्जर्वेटरी थी, ऑब्जर्वेटरी और स्कूल ऑफ थियोलॉजी था ये, तो वहां पे रूम्स है वहां, हाँ वही मैंने कहा ना स्कूल ऑफ थियोलॉजी, और ये फुली अभी एक्सपोज नहीं है, जो इसका और एक टेरेस है अभी, चाहे वो ऊपर से है नीचे से, हम तो टेरेस देखते हैं वहां, वही मैं कह रहा हूँ रूम्स में किसी को एंट्री नहीं है। तो वो चीज है कि वहां पे स्कूल ऑफ थियोलॉजी और मौसमियाती दफ्तर होता था जब दारा शिकोह ने ये बना दिया। जी जी, दारा शिकोह ने खाली यही नहीं बना दिया जी, उसने जो यहाँ पे हारी पर्वत फोर्ट के ऊपर नीचे मुखदुम साहब के यहाँ वो मास्क है, वहां पे दो मास्क है जो खाली स्टून से बने हैं, और मलशाही बाग में उन्होंने उस समय भी मास्क और ये हमाम बनाया है। कहाँ? गांधरबल में मलशाही बाग जिसको जी कहते जी हैं, वहां पे ये सेम पीरियड है, उसको भी मलशाही बाग कहते हैं। यहाँ पे जो दारा शिकोह ने मास्क जो बनाया है उसके अखुन मुलशाह मास्क कहते हैं, अखुन मुलशाह मास्क। अजी ये जो आप आइडेंटिफिकेशन को या डॉक्यूमेंट मांग लीजिए इनको, कहा ये किस पीरियड का है, क्या चीज है, किस एरिया किस एरा की है, इसके लिए आपके पास एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है? दो चीजें, अगर हमें हमारे पास कोई भी चीज मिलता है पहले देखते हैं ये किस स्कूल से है, इसका इन्फ्लुएंस कौन सा है, क्या ये सेंट्रल एशियन से इन्फ्लुएंस है, अगर ये स्कल्पचर है क्या ये किस स्कूल से है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, अकॉर्डिंगली इसको फिर देखते हैं कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है इसके व्हीकल्स के ऊपर प्रॉपरली क्या है, ये क्या है, शिवा है, विष्णु है, ब्रह्मा है या और कुछ है, वो एज पर द आइकोनोग्राफी हम जाते हैं उसी के हिसाब से इसको फिर, और यहाँ से ये मिला है उसकी हिस्ट्री पहले पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या किस पीरियड में ऐसे जो स्कल्पचर्स बने हैं या ऐसे आर्ट बना है, ये कैसे बना है। सर आप रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी आपके जिम्मे हैं, और मॉन्यूमेंट्स या हेरिटेज बिल्डिंग्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स में ये कौन सी आपने की है? देखो एक मैं बताऊंगा, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू स्कीम, रिवाइवल ऑफ आर्किटेक्चर हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी, जिसमें काफ़ी पैसा है गवर्नमेंट ने एनमार करके रखा है,
लास्ट ईयर हमने कश्मीर से 17 ये उठाए मॉन्यूमेंट्स, जो श्राइन्स है, टेम्पल्स है, गुरुद्वारा है, चर्चेस है जी, यहाँ पे हमने उठाए थे। तो 17 शायद जम्मू से भी हमने उठाए, 17-18 जम्मू से भी उठाए थे। तो उसके जो आजकल काम चल रहा है, उसके वो रेस्टोरेशन के लिए काम चल रहा है जी, तो उससे हमें एक चीज़ होगा कि जो रिवाइवल जो हमारे पास जो पुराने चीज़ थे, उससे एक चीज़ होगा कि रिवाइवल हो जाएगा पुराना आर्किटेक्चर जी। आप मैं बताऊंगा कि अगर आप हारी पर्वत फोर्ट को देखोगे जी, जो वहाँ पे काफ़ी डैमेज हुआ था, वो मैंने वो डैमेज हालत में भी देखा है और रेस्टोरेशन के बाद भी देखा है। आप देख लीजिए हमने कितना काम किया उसको, हमने वो पॉन्ड्स भी रेस्टोर किए उसको, और मेन वहां तक आपने टूरिस्ट को जाने के एक्सेस ही नहीं दिए। नहीं सर, एक्सेस है, बाज़ेब्त एक्सेस है, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आउटसोर्स किया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उसको टिकट लगाई है, बाहर टिकट है, जिसको भी जाना चाहिए वो जाते हैं वहां पे। नहीं वहाँ वो तो रोबस्ट आदमी चाहिए ना जो वहाँ हाइक कर सकता है, वहाँ तक जा सकता है। आपको गंडोला का एक दो पिलर वहाँ तक लगाना नहीं, नहीं, था, नहीं, तो उसमें क्या मैं बताऊँ इसमें क्या प्रॉब्लम्स है कि गंडोला की क्या बात है। अगर आप देखो कि पहले स्टेप्स नहीं थे वहाँ तक, आज हमने स्टेप्स भी बना दिए, स्टेप्स बनाए हैं, पूरे फोर्ट तक बनाए स्टेप्स। आपने वो छोटी गाड़ियां भी रखी थी, तो वो नीचे जाने, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का है जी। तो वो टूरिज्म डिपार्टमेंट टू बूस्ट हेरिटेज टूरिज्म, तो वो टूरिज्म ने रखे थे वो गाड़ियां, छोटी छोटी गाड़ियां जाने के लिए। मोस्टली लोग कर रहे प्रेफर अपनी गाड़ी में जाना और ऊपर वहां पे और ऊपर से चले जाते हैं। गाड़ी में तो वहां तक नहीं जा सकता, आपको मैं कह रहा हूँ स्टेप्स है, बहुत चढ़ाई करनी है, बहुत सारे स्टेप्स है, और हम उसको हम रेस्टोरेशन की बात करेंगे जी जी। तो रेस्टोरेशन जो हमारा है, हमारा फेज सेकंड भी उसमें चल रहा है, तो अब फेज जो है वो अब हम इसको जो ऊपर वाले स्टेप्स है पहले उसको रेस्टोर करेंगे, उसके बाद में जो इंटीरियर हमारा है तो कहीं पे भी डैमेज हो गया है वो उसको हम रेस्टोर कर रहे हैं नेक्स्ट फेज में। सर कुछ एक्सकेवेशन कॉलर फर्स्ट, हेलो जी, हेलो नमस्ते, कौन साहब कहां से? जम्मू से मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी फरमाइए, अपना नाम बताइए। बप्पा रिश्तो राय, BAPPA जी जी, BITYROY जी जी, पूछिए सवाल अपना। हाँ जी अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो जो अमरनाथ केव जो है और खीर भवानी माता जी जो है वो जी जी, आपका म्यूजियम में ये तस्वीर है कि नहीं है? जी हमारे पास एक पेंटिंग है, जो पेंटिंग बनाई गई है वहाँ पे जो अमरनाथ केव की, वो एक पेंटिंग है हमारे पास। बाकी हमारे पास जो और क्या कहा आपने सर? हेलो आर यू ऑनलाइन? हाँ में है, लाइन में है जी। बताइए आप एग्जैक्टली क्या आप चाहते हैं कि जो जो अमरनाथ श्राइन है, अमरनाथ केव जो है, क्या वो केव है ना? हाँ हाँ अमरनाथ केव जो है उसका तस्वीर आपका म्यूजियम में है कि नहीं है? तो मैंने कहा ना कि उसकी एक पेंटिंग बनी है, वो हमने परचेज की है पेंटिंग, वो म्यूजियम में है जी। तो हाँ हाँ कुछ और पूछना चाहते हैं? हेलो जी सर, ये जो एक्सप्लोरेशन एक्सकेवेशन जो आप करते हैं, इस दौरान आपको ट्रेजर ट्राउस भी मिले हैं, कहीं कोई मटकी मिली तो उसमें आपको कॉइन्स मिले, मिलते हैं, तो ये ट्रेजर ट्राउस आपके पास कितने कॉइन्स होंगे तकरीबन? हमारे पास जो मैं 72,000 कॉइन्स हमारे राइट फ्रॉम द पंचमार कॉइन्स, ये कश्मीर से मिले आप? कश्मीर से मिले हैं। किस पीरियड के? कुशान पीरियड के हैं? उससे भी पहले, ये BC के कॉइन्स है हमारे, पंचमार कॉइन्स BC में होते थे, 250 BC। ये जो कहते हैं वो है 5000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री, यस, उसके उसके कुछ निशान आते हैं आपके पास? नहीं देखो हिस्ट्री जो है वो है राजनारंगनी हमारे पास, जिसमें ट्रांसलेशन भी काफी हुए हैं जी जी, MS10 नहीं वो अलग चीज है, राजनारंगनी अलग चीज है, वो इट्स अ बुक, ठीक, इट्स अ बुक ऑफ हिस्ट्री, मगर उस पीरियड के कुछ देखो कुछ चीज है, कोई कॉइन, कोई अगर राजतरंगनी 12th century में है हमारे पास जो एविडेंसेस है वो 5th century स्टोन आर्ट के, अच्छा, और टेराकोटा आर्ट के है 2nd century से,
तो वो चीज़ है कि हमारे पास एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, तभी किसी चीज़ को ठोस माना जाता है, कि विदाउट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको कोई चीज़ हिस्टोरिकल जो होगा तो उसको नहीं माना जाता है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके पास 70,000 कॉइन्स है, 70,000 से भी ज्यादा होंगे। मैंने कहा ना 72,000 कॉइन्स है हमारे पास, कॉइन्स जिसमें ऑलमोस्ट इनकी डॉक्यूमेंटेशन की है, किस किस पीरियड के हैं? पूरा मुगल पीरियड के भी होंगे? नहीं, ये राइट फ्रॉम द एंशंट टाइम्स टू द कुशांस से स्टार्ट है। हमारे पास है कॉइन्स जो अगर मैं बताऊंगा आपके, पंचमार्क कॉइन्स है, फिर इंडो ग्रीक्स है, इंडो सीथियंस है, इंडो पार्थियंस है। मेटल क्या है, किस मेटल के हैं? ये जो पुराने कॉइन्स होते थे ये सिल्वर के होते थे। अच्छा, हमारे पास गोल्ड कॉइन्स भी है म्यूजियम में, हमारे पास कॉपर कॉइन्स भी है म्यूजियम में, और सिल्वर कॉइन्स भी हमारे पास है जी। और जो फर्स्ट करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी कश्मीर में, वो भी हमारे पास है। नोट की? नोट की, पेपर? पेपर, पेपर करेंसी क्या जी? पेपर करेंसी डोगरा पीरियड की है, डोगरा पीरियड में डोगरा, और उसका डाई भी है, जो हमारे पास डाई है उसका जो जिसे बनते थे वो भी हमारे पास म्यूजियम में है। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, हेलो जी, जी सर, वालेकुम सलाम, अपना तारुफ सर। मैं मंजूर अहमद, मैं बटमालू श्रीनगर से बोल रहा हूँ जी। मंजूर साहब पूछिए अपना सवाल। मुझे पूछना है कि जो आपका ऑफिस जो लाल मंडी में है, एर्नोलॉजी, हम वहाँ विजिट कर सकते हैं अगर कोई देखने ले जाएगा कोई फैमिली लेकर सब? और एक सवाल, दूसरा सवाल है कि इनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, खुद ही कराए हैं कि इनका इंजीनियरिंग है वहाँ से नहीं है? आप किसी भी दिन जा सकते हैं ये जानना। मंजूर साहब तुम हेको कुन त म्यूजियम गत हेको तुम कह चीज वित गो वो डिस्प्ले मज अगर तथ ग सेटिसफाई तथान क्यूरेटर उस तथ आफिसर तथि तुम हेको तमिस नश ग तु गाड़ फैसलटी तथि फ्री तु सो क्या फ्री ताली दह रुपये टिकट भर बचन पांच रुपये भरन तो अगर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट तमिस जो रुपये भरन तो उस चीज हेको वित दह दियो तुम पूर म्यूजियम मज या तुट घंटे दियो यह डिपेंड करा कि तुस टेस्ट आस टेम्परमेंट आु क्या वो ज्यादा ती म्यूजियम सारे खतर यल यह पब्लिक इंस्टिट्यूट म्यूजियम बंद कह मॉनिटर कर वर्क एग्जीक्यूटिव एजेंसी करोतम एग्जीक्यूटिव एजेंसी टूरिज्म डिपार्टमेंट वह मकलो टूरिज्म कंजर्वेशन विंग मकल तिम आर एन बी विंग सो कोर सोरे जम आर एन बी मज आर एन बी पन पन डिवीजन करा पन्नी पन्नी साइडिश वा कत चलान वस चलान अठन दहन जायन मगर डिफरेंट जायन पे अहन यह मंडे दो बंद क्या यह थ्रू आउट वर्ल्ड मंडे दो थ्रू आउट वर्ल्ड म्यूजियम बंद इथे कन अडाप्ट कोर्म सु थ्रू आउट वर्ल्ड को यह कि मंडे दो बंद तो आथवार दल बे गवर्नमेंट होलडेज तिमन दोन बंद। चलिए अच्छी बात है मुश्ताक साहब, ये जो ट्रेजर ट्राउस की बात हम कॉइन्स की बात कर रहे हैं, इसमें अगर किसी आदमी को कहीं कोई कॉइन मिला, डज दिस बिकम हिज प्रॉपर्टी और इट्स बिकम्स योर प्रॉपर्टी? वन, और जो आप कॉइन्स या आर्टिफैक्ट्स खरीदते हैं उसका क्या प्रोसीजर है? देखो पहले मैं इसी सवाल का जवाब बताऊंगा कि अगर आपके पास कॉइन है, ये कहीं से जमीन के अंदर से निकला है या आपको इनहेरिटेड है, ठीक है, उसने कैसे लाया, आपके परदादा परदादा जो जो भी है उन्होंने लाया, एज पर द अगर आप नया मिला कहीं पे, एज पर द दिस एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट एंड ट्रेजर ट्रोवर एक्ट 1972, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ढाई फुट आपके पास रहेंगे, ढाई फुट अगर ढाई फुट से ऊपर आएगा ये आपके पास रहेगी, ये आपकी प्रॉपर्टी है, अगर ये ढाई फुट के नीचे गई ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये इसमें बाजाबता रूल किया है आइडेंटिफाई। ढाई फुट तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर आपके पास आप इनहेरिटेड होते हैं कि अच्छा, काफी होते के पास हैं, होते कुछ लोगों के पास होते हैं आप उसमें वो आपकी प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें एंटीक्विटीज और ट्रेजर एक्ट जो होता है ना हमारे पास, और एक एक्ट है जिसमें ये लिखा है कि अगर आपके पास कोई भी चीज है, कॉइन्स है या स्कल्पचर है या मैनस्क्रिप्ट है जो या पेंटिंग है,
उसको रजिस्टर्ड कीजिए, ये लीगल बनता है आपके पास, अदरवाइज आपके पास कोई भी चीज़ है इलीगल है। रजिस्टर्ड कहाँ करना है उन्हें? रजिस्टर्ड हमारे डिपार्टमेंट में एक विंग है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंटीक्विटीज, वो बाज़ाब्ता आपको सर्टिफिकेट देता है, और बाद में आप इस सर्टिफिकेट को किसी भी हिंदुस्तान के कोने में ले सकते हो, इस चीज़ को आप किसी भी जगह पे ले सकते हो विद इन कंट्री, विदाउट आउटसाइड, नॉट आउटसाइड कंट्री नहीं ले सकते। सभी कॉलर जुड़े हैं, इस पर हमें और बात करनी है। हेलो, हेलो, हाँ जी जी, अपना तारुफ दीजिए साहब। हाँ जी, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? सर जम्मू से बोल रहे हैं, मेरा नाम विनोद कुमार है, एक क्वेश्चन पूछना था। जी विनोद जी, सवाल पूछिए जरूर। ये लाइव चल रहा है ना सर? जी जी बिल्कुल लाइव चल रहा है, आप आपकी बात सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिए। क्वेश्चन सर है प्रयासपुर के बारे में। जी मतलब ये इतनी जबरदस्त जगह है जो किसी टाइम में कश्मीर वैली की राजधानी हुआ करती थी। सही बात है, सही बात है। लेकिन टूरिस्ट आता पहलगाम गुलमर्ग फोटो खींच के चला जाता है, ये लाइमलाइट नहीं आई है जगह, इसकी इतनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। जी हेलो, जी जी हाँ बताइए इनको, ये कह रहे हैं कि लाइमलाइट में नहीं है, ये कौन टूरिस्ट जो आता है? परहेजपुरा, परहेजपुरा, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो परहेजपुरा में मैंने कहा ना कि हमने काम चला स्टार्ट किया है, जो टेम्पल्स हम वहाँ पे एक्सक्वेट कर रहे हैं, एक्सक्वेट नहीं, हम उसको सफाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ है कि ताकि उस ताकि हमने क्यों स्टार्ट किया काम, ताकि लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे खाली बुद्धिस्ट साइट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे और भी जगह है। नहीं फिलहाल जो अभी जो साइट है वो बुद्धिस्ट साइट है, जो एक्सकेवेटर पूरा है आप उसमें, क्योंकि नंबर वन ये नेशनल मॉन्यूमेंट है, ये भी देखने के लिए अलाव क्यों नहीं, नहीं नहीं क्यों नहीं अलाव है? अब मैं जब गया कम से कम 20-25 आदमी मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, और लोग जाते हैं वहाँ पे। अच्छा जाते हैं, लोग जाते हैं, फॉरनर्स आते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे। जो अब इसमें एक चीज़ है कि हेरिटेज टूरिज्म एंड जनरल टूरिज्म, करेक्ट, ये दो टूरिज्म के, जिसको हेरिटेज टूरिज्म में इंटरेस्ट है वो हेरिटेज टूरिज्म जाता है, वो कहता है मुझे डाउन टाउन दिखा पहले, दूसरी जगह पे ले जाओ मुझे, मुझे अवंतीपोरा ले जाओ। ये रिलेटेड वही है, क्योंकि जो अब इसमें है कि मेन चीज होना चाहिए कि ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट में उनको प्रमोट करना चाहिए, ये चीजें प्रमोट करना चाहिए। अगर टूरिस्ट को अपनी इंटरेस्ट है वो नहीं जाते हैं हमसे पूछते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कौन सी हेरिटेज टूरिज्म कहाँ पे, परहेजपोरा कहाँ है, अवंतीपोरा कहाँ है, मार्टन टेम्पल कहाँ पे है, क्योंकि मार्टन और मार्टन में डिफरेंस, ये दो थोड़ा सा इनमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये मार्टन और मटन को एक ही करते हैं, लेकिन मार्टन सन टेम्पल है, अलग है, मटन अलग है। ये जो मार्टन सन टेम्पल है ये आपके अंडर है? नहीं नहीं, ये भी ऐसा है कि मैंने कहा ना ग्रेड ए वन जो है होते हैं वो नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है। ये जो सन टेम्पल है मार्टन का, इसका मैंने एक किताब अकॉर्डिंग टू एविडेंस बाई एरिक वॉन डैनिगन उसमें पढ़ी है, तो उसमें काफी इस बारे इसके बारे में लिखा है। उसके बारे में एक खाली तीन टेम्पल्स बने थे उस समय, तो सन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स। जी जी, अच्छा ये जो आप बात कर रहे थे चीजें खरीदने की, चाहे कॉइन हो या कोई भी आर्टिफैक्ट आपको मिले, एक तो आपने कहा इसको रजिस्टर करें आपके साथ, लेकिन अगर वो बेचना चाहे तो किस रेट पे आप लेते हैं? देखो इसकी मैंने कहा ना कि हम पहले एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइज हम हमारे पेपरों में जाता है, मतलब एवरी ईयर, एवरी ईयर हमारे पास, अगर किसी के पास कुछ है तो आप, तो आप दीजिए, और वहाँ पे बाज़ार कैटेगरी लिखी होती है हमने क्या क्या खरीदना है इस साल। जी तो अकॉर्डिंगली जो भी आता है हमारे पास, यही चीज़ है हमारे पास, यही चीज़ है हमारे पास, पिछले दो साल से हमने खरीदा नहीं ड्यू टू सर्टन रीजन्स हमने नहीं खरीदा, तो बाकी लेकिन एडवर्टाइज हमने किए तो भी। अब एक इसमें कॉन्स्टिट्यूट कमेटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने पहले भी कहा कि एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें, चाहे मैनस्क्रिप्ट इसमें हो तो फिर हमें मैनस्क्रिप्ट का एक्सपर्ट लाना पड़ता है, अगर आर्कियोलॉजी हो आर्कियोलॉजी का एक्सपर्ट्स लाने होते हैं, वही इसको रेट आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी रेट क्या है। मुश्ताक साहब हमारे पास, मेरे पास और भी सवाल थे पूछने के लिए लेकिन वक्त ने इजाज़त नहीं दिया, हमारे पास जितना टाइम था वो है कंज्यूम दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हिस्ट्री के बारे में, म्यूजियोलॉजी के बारे में या आर्कियोलॉजी आर्काइव्स के बारे में आपने जानकारी दी हमारे नाज़रीन को, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और नाज़रीन इसके साथ ही हमारे आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।